क्वेश्चन पेपर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये एक बीएड का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर है वो होता है 80 मार्क्स का। तो इसमें आपको टोटली कितने क्वेश्चन चाहते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट इज़ कंपल्सरी, अटेम्प्ट 4 मोर क्वेश्चन, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो सबसे पहले क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको उसका कंसेप्ट लिखना है। सेकंड इज एनलिस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, लेवल कितने हैं लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसेस ऑफ लर्निंग, फेसेस कितने हैं लर्निंग के। एंड द लास्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं अक्सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ये 4 यूनिट्स दे रखी है, 4 यूनिट्स में आपको हर एक यूनिट्स में 2 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ईच यूनिट में से आपने कोई भी 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। द फर्स्ट यूनिट इज सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, डिस्कस द नेचर एंड टाइप ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग से आप क्या समझते हैं, आप उसके नेचर और टाइप्स ऑफ लर्निंग लिखिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज। आप इन दोनों में से आपको जो भी बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन आता है, आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी ये गलती मत करना कि आपको फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड यूनिट का कुछ नहीं आता, तो आपने यहाँ के 2 कर दी, यहाँ के नहीं। नहीं, आपको हर एक यूनिट, जैसे 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट इज फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ बंडूरा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस थ्योरी को पढ़, जितने भी थ्योरीज है लर्निंग एंड टीचिंग में, आप उसको प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दोनों थ्योरी है, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल, थर्ड यूनिट्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, ब्रीफली डिस्कस। ये अब टीचिंग वाला स्टार्ट है, ये जो 2 यूनिट्स है वो लर्निंग से रिलेटेड है एंड जो थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट है वो किससे रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। तो थर्ड यूनिट का 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेसेस। आप टीचिंग प्रोसेसेस के वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे एंड उसको अच्छे से डिस्कस करना है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप उसके साथ। नेक्स्ट है डिफाइन टीचिंग, आपने टीचिंग डिफाइन करना है, टीचिंग की इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर आपको फीचर आते हैं तो आप फीचर्स भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एज प्रोपाउंडेड बाय एज वेल, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इजी एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। एंड द फोर्थ यूनिट इज डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ ग्लेजर बेस्ड टीचिंग मॉडल। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 9th क्वेश्चन को। शॉर्ट नोट दे रखे हैं नेचर एंड नीड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड द कंसेप्ट्स एंड फीचर ऑफ रेमेडियल टीचिंग। आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। Thank you for watching my video.